नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं हूं आपके साथ मेघा। लाख कोशिशें उद्धव ठाकरे ने की, आदित्य ठाकरे ने की, शरद पवार ने की, सोनिया गांधी के इशारे पर कमलनाथ भी महाराष्ट्र के सियासी संकट का समाधान निकालने के लिए पहुंचे थे, बावजूद इसके सबकी कोशिशें बेनतीजा रही, सबकी कोशिशों के परिणाम बेनतीजा रहे। यहां पर उद्धव ठाकरे की बात सुनने के लिए, उद्धव ठाकरे की बात मानने के लिए कतई तैयार एकनाथ शिंदे नहीं है। एकनाथ शिंदे ने फैसला कर लिया है कि अब लड़ाई आर या पार की होगी। जिस तरह के तेवर एकनाथ शिंदे दिखा रहे हैं, उस तेवर को देखकर भी साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में काफी कुछ होने के लिए तैयार है और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सामने नहीं झुकेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे को जब महसूस हुआ कि यहां पर उनकी सत्ता जा सकती है, उनकी गद्दी जा सकती है, उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया। सरकारी आवास वर्षा छोड़ दिया, निजी आवास मातोश्री में पहुंच गए। तो उद्धव ठाकरे जिस तरीके से इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं, साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि वो पहले इमोशनल थे, उसके बाद प्रैक्टिकल हुए। उन्होंने धमकी देना शुरू किया, साम दाम दंड भेद से एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश करके उद्धव ठाकरे अब थक चुके हैं। तो कमान गई है उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के हाथ में। रश्मि ठाकरे ने रणनीति बनाई है, एकनाथ शिंदे के परिवार के सदस्यों को फोन किया है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, मनाने की कोशिश की है। ये वही रश्मि ठाकरे हैं जिनका पहला बयान सामने ही आया था कि अगर धोखा एनसीपी और कांग्रेस ने दिया होता तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन धोखा अपनों ने दिया है, जिनको हमने पाला है उन्होंने दिया है, इसीलिए दर्द ज्यादा हो रहा है। रश्मि ठाकरे कैसे अपने पति की कुर्सी जाने से बचाएंगी, बिखरती हुई उद्धव ठाकरे की इस सेना को समेटेंगी, क्या रणनीति है समझिए जरा। महाराष्ट्र में जैसे जैसे सियासी संकट गहराता जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। बागी विधायकों को मनाने की हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये तमाम कोशिशें फेल हो रही हैं, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों को मनाने के लिए अब जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेते हुए बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी की माने तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे गुवाहाटी में ठहरे बागी विधायकों को मनाने के लिए, उनकी घर वापसी के लिए लगातार मैसेज कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब रश्मि ठाकरे ने भी बागी विधायकों के परिवार वालों के जरिए बाजी को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। इस पॉलिटिकल फाइट में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ने मोर्चा संभाल लिया है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को कॉल किया है और फोन पर उनसे कहा है कि अपने पति को महाराष्ट्र संकट से जुड़ी बात करने के लिए राजी करें। उद्धव ठाकरे भी विधायकों की बगावत के बाद एक्टिव मोड में है। उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को लगातार मैसेज कर रहे हैं। बागी विधायकों का कहना है कि वो शिवसेना के साथ हैं। बागी विधायकों की तरफ से शिवसेना के साथ होने को लेकर बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर थोड़ी भ्रम की स्थिति बन गई है। उद्धव ठाकरे ने पहले भी कुछ विधायकों के गुवाहाटी से मुंबई लौटने के बाद सरकार के समर्थन का भरोसा जताया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि कुछ विधायक हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब जब रश्मि ठाकरे को इस बात का एहसास हुआ कि ये बाजी अकेले उद्धव ठाकरे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ रश्मि ठाकरे ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। रश्मि ठाकरे बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर रही हैं और उनसे एक ही बात कह रही हैं। बात ये है कि अपने पति को मुंबई वापस लाकर बातचीत करने के लिए कहो। आपको बता दें, रश्मि ठाकरे ने जब उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की रात सरकारी आवास वर्षा छोड़ा था, तब उनकी आंखें नम थीं। आदित्य ठाकरे ने खुद ही बताया कि उनकी मां रश्मि की आंखों में आंसू थे। रश्मि ठाकरे का यही कहना था कि अगर धोखा एनसीपी ने दिया होता, कांग्रेस ने दिया होता तो दुख नहीं होता, लेकिन धोखा किसी अपने ने दिया है, इसीलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है।
अब यहाँ पर सीधे तौर से ये कह दिया है शरद पवार की तरफ से, बयान सामने आया है कि पार्टी टूटेगी नहीं, गठबंधन टूटेगा नहीं। और वहां दूसरी तरफ रश्मि ठाकरे बागी विधायकों की पत्नियों का साथ पाकर पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हैं। देखना होगा इन कोशिशों में कौन कितना कामयाब होता है। फिलहाल आगे आने वाले वक्त में यहां लगातार कई तरह के बदलाव हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में होते हुए आप सभी को नजर आने वाले हैं, और इन बदलावों में रश्मि ठाकरे की भूमिका काफी अहम होने वाली है।